तो मैं नमाज के बाद दुकान खोलता हूँ, मेरे आने से पहले ही गली में कोई टिक टाक कराए होते हैं, कोई रात को एक जोड़ा आया हुआ था, बिल्कुल उसने आके यहाँ फोटो शूट कराया नई शादी का, तो 2 बजे तक रात को तक रौनक लगी रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रात में मेहमू न्यूज़ ऑन के साथ, और इस वक्त मैं सुरजन सिंह गली के अंदर मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, ये वही गली है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है। गुज़श्ता दिनों यहाँ कोई प्रोग्राम, कोई मेला लगा हुआ था जिसके ऊपर रैंडमली 2 तस्वीरें क्लिक की गई, और वो जब सोशल मीडिया पर डाली गई तो हर कोई जो है उसे ये क्यूरियोसिटी हो रही थी, ये तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ये गली कहाँ पर है, इस गली में ऐसा क्या है, इसे क्यों इतना सजाया हुआ है, इसे क्यों डेकोरेशन इसकी की हुई है। तो इसी वजह से हमारी टीम जो है वो भी इस गली में पहुँची और यहाँ आगे हमने देखा तो इस गली को वाकई बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ लाइट्स लगी हुई है, पौधे लगे हुए हैं, लैंप्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया हुआ है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के मुलाजिम भी यहाँ मौजूद है और वो इस गली को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्रॉपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इस गली को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि इस गली को जो है वो आलमी सतह पर पहुँचाया जाएगा। और इसकी जो भी तारीख है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको चल के सुनाती हूँ यहाँ के मकामी लोगों से। जी सुरजन सिंह गली के सबसे पुराने रिहायशी हाफिज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और इनकी पैदाइश भी इसी गली में हुई थी। इनसे पूछते हैं कि इस गली की क्या हिस्ट्री है, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस गली की हिस्ट्री यही है कि ये क़ियामे पाकिस्तान से पहले, जो इसका नाम है ना गली सुरजन सिंह, और क़ियामे पाकिस्तान से पहले एक सिख हकीम था, उसका नाम सुरजन सिंह था। वो एक बहुत ही फेमस हकीम था, उसके हाथ में शफा भी थी, उसका एक मकान भी था जिसमें मैं खुद ही रहायश पज़ीर हूँ अब। लेकिन 2005 में जब ये अभी तक ये वाल सिटी अथॉरिटी का क़याम नहीं हुआ था, उससे पहले हमने उसको सारा डिमोलिशन करके तो नया बना दिया हुआ, लेकिन मकान वो है, उसी के नाम से ये गली सुरजन सिंह है। तो अपने टाइम के हिसाब से ये वक़्त के ये बनती भी रही, ख़राब भी होती रही, लेकिन 2008 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ शाही गुजरगाह का, दिल्ली गेट से शाही किला तक, उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही थी। उन्होंने शाही गुजरगाह बनानी थी क्योंकि सबसे पहले इसको शाही हमाम को रेनोवेट करना था, उसके बाद ये चलते हुए शाही किले तक जाना था, लेकिन रास्ते में जो आ रही थी ये तजारती मरकज़, ये दुकानें, जो जितने भी तजारती मरकज़ हैं सब शाही गुजरगाह के रास्ते में बने, वो बहुत रुकावट पैदा हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने यही सोचा कि पहले यही किया जाए कि शहर के अंदर जो पुराने मकान, जो अब तक रहायश बची, जहाँ रहायश लोग रहते हैं, उसको क्यों ना सही किया जाए। इसके ऊपर उस वक़्त काम शुरू किया, और सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट और आगा खान कल्चर सर्विस वालों ने ना इस गली को मुंतखब किया, क्योंकि इसमें रहायश ज़्यादा थी। इसको एक मॉडल स्ट्रीट का नाम दे के ना इसको हर सहूलत इस गली के अंदर जो है ना दी गई, एक कदीम और जदीद का इंतजाज जो गली के हिसाब से देखें तो इसमें हर सहूलत मौजूद है। सबसे पहले अंदरून शहर में जो इलेक्ट्रिक की वायर थी इंडोर की गई, वो इसी गली में हुई है। इसके अलावा सुई गैस का बेहतरीन निज़ाम है, और इसके अलावा वाटर सप्लाई का, सीवरेज का, सब बेहतरीन किस्म का निज़ाम है। यहाँ कोई बदबू या कूड़ा या सीवरेज की लाइनें फंस जाने या बंद हो जाने, ये कोई सिलसिला अब नहीं है। तो इसी वजह से ना ये गली अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। और ये छोटे छोटे मकान हैं लेकिन रहायशी मकान हैं, ये असल कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मकान यहाँ पुराने हैं लेकिन निज़ाम बिल्कुल नया है। कदीम मकानों में रहने वाले ये लाहौर के ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिल बड़े हैं, जिनकी वजह से आज जो जिंदा दलाने लाहौर कहा जाता है, ये इसी शहर की वजह से जहाँ से लाहौर का इब्तदा हुई थी। तो आज ये कदीम और जदीद का सीन इम्तजाज आप देख रहे हैं, यहाँ रहायश भी है, जहाँ लोग आ रहे हैं बाहर से, बिरूने मुल्क से भी आ रहे हैं, अंदरून मुल्क से, हर इलाके से आप आ जाएं। सुबह जब मैं दुकान खोलता हूँ, मेरी दुकान है
स्टेशनरी की। स्कूल के हिसाब से मैं नमाज के बाद दुकान खोलता हूँ, मेरे आने से पहले ही गली में कोई टिक टाक कराए होते हैं, कोई रात को एक जोड़ा आया हुआ था, बिल्कुल उसने आके यहाँ फोटो शूट कराया नहीं शादी का, तो 2 बजे तक रात को तक रौनक लगी रहती है। तो मोहल्लेदार काफी खुश है कि हमारी पब्लिसिटी हो रही है इलाके में, ये अंदरून शहर के अंदर इतनी फेमस गली हो गई है। मुझे बताइएगा अंकल जी, जब लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, टिकटॉकर सारे शोर शराब हो रहा है, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उन्हें तंग नहीं हो रही कि यार ये क्या है? ये डिस्टर्ब हो के करेंगे क्या, ये बताएं, वो तो खुश हो रहे हैं अभी, ये देखिए आगे चल के क्या होता है, ये कितने दिन ये तो चलता है, तो फिर ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो ये सब लोग खुश है, रौनक मेला लगा, रौनक मेला लगा हुआ। मैं बता तो रहा हूँ, रात को 2 बजे तक भी आप यहाँ बैठ जाए आगे, तो आपको हर 10 मिनट बाद, बल्कि किसी वक्त तो इतना रश हो जाता है, पिछले पूरे हफ्ते में ना, पूरी वीक में 1 मिनट भी ये पूरी गली खाली नहीं थी, इतना ज्यादा रश था। ये नहीं कि कोई आम लोग भी, बड़े बड़े ये हुकूमती सतह के लोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा जब ये गली बनी थी, ये 7 जर्मन का तावन भी था, जर्मनियों और माइकल को ने, वो उस वक्त जो सफीर था ना माइकल को जर्मनी का, उसने आके गली का इफ्तिताह किया था, वो प्लेट भी लगी हुई है। जी बिल्कुल, इस गली में एक छोटा सा ऑफिस भी बना हुआ है खुद के नाम से, और यहाँ ये जो है ये ट्रेडिशनली और इस्लामी नुक्ता नजर को मद्देनजर रखते हुए जो है ये यहाँ करते देते हैं लोगों को छोटे छोटे, और पूरा जो है ये सकाफती मंजर जो है ये ऑफिस पेश कर रहा है, और नहायत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल तरीके से ये ऑफिस बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, इस गली में जो है वो छोटे छोटे ढाबे बनाए हुए हैं जहाँ जो है वो ट्रेडिशनल फूड मिलते हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस जगह को जो है वो सजाया हुआ है, और मूड़े तकिए मिट्टी के बर्तन हर चीज़ जो है यहाँ मौजूद है, और पेंटिंग से खूबसूरत पेंटिंग से जो है इस गली की सजावट में इजाफा किया गया है, और इस वक्त हम यहाँ के एक ढाबे में मौजूद है जहाँ लोग आते हैं और खाना खा के लुत्फानंदोज़ होते हैं। जी ये मैं इस वक्त मिड ऑफ स्ट्रीट के में खड़ी हुई हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो बल्ब लगे हुए हैं, चारों तरफ जो है मेरे पौधे लगे हुए हैं, और खूबसूरत पेंटिंग की हुई है दरवाज़ों को, और यहाँ के घरों को खूबसूरत पेंटिंग की हुई है, और सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और इस गली में जो है ये छोटी सी एक गली है, लेकिन उसे बहुत ही जो है वो दिलकश तरीके से सजाया हुआ है। मेरा नाम नौशीन जैदी है, और मैं वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी में एज अ डिप्टी डायरेक्टर सोशल मोबिलाइजेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज के तौर पे काम करती हूँ। तो ये हमारी सबसे पहली मॉडल स्ट्रीट है, और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये हमने सब कुछ जो है जितना भी काम किया है प्लानिंग फेज से लेकर इम्प्लीमेंटेशन फेज तक, वो कम्युनिटी के तावन से किया है। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, ये जो आपको सफाई सुथराई भी नज़र आ रही है, इसको मेंटेन भी हम एक या 2 दफ़ा सफाई करते हैं, उसको मेंटेन भी कम्युनिटी करती है। और जिस तरह की डेकोरेशन इस गली में की गई है और इसको पूरी दुनिया में पजीराई हासिल हुई है, तो इसी तरह की जो डेकोरेशन है अब हम मजीद 57 स्ट्रीट्स हैं रॉयल ट्रेल पे, उन सब में भी करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बाकी गलियों में ऐसा ही एम्बियंस देखने को इंशाल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि यही गली जो है वो क्यों चूज की गई, इसे ही इतनी मकबूलियत क्यों मिली, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, जब सबसे पहले इस गली को चूज किया गया, तो इसकी वजह यहाँ पे जो ये घर हैं इनकी एक अपनी हेरिटेज वैल्यू थी, पूरा एक क्लस्टर था घर का। बाकी गलियों में किसी में 2 घर हैं, किसी में 4 घर हैं, लेकिन अगर आप इस गली को देखें तो इसमें मेजॉरिटी घर जो थे वो अपने ओरिजिनल शक्ल में मौजूद थे, खस्ता हाल थे, इसलिए ये गली सिलेक्ट की गई ताकि हम लोग तमाम घरों को अंदर से बहाल कर सकें। तकरीबन 12 से 15 घर जो थे वो अंदर से बहाल किए गए, उसमें जो थी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जैसे किचन में है, वॉशरूम्स की हैं, वो भी दी गई। तो मेरे ख्याल में इस गली के मकबूल होने की वजह यही है कि ये गली जो है एक तो अंदर से बहुत सारे घर कंजर्व किए गए, दूसरा पूरा क्लस्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पर तारीखी घरों का मौजूद है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा इसे और जदीद करने के लिए अब हम इसके ऊपर क्या आप लोग काम कर रहे हैं, और क्या क्या हमें नई चीज़ें इस गली में देखने को मिलेंगी? जी आने वाले दिनों में हम ये कर रहे हैं कि यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो अपने जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हम फूड आउटलेट्स बनाने जा रहे हैं, जिसको जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से यानी कम्युनिटी खुद चलाएगी। तो आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे यहाँ की ट्रेडिशनल फूड और बहुत सारा जो हमारा अंदरून शहर का कल्चर है, म्यूज़िक वगैरह, वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और ये तीन टूरिस्ट जो है रिजॉर्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, मुझे लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि और कौन सी लाहौर की गलियां ऐसी है जो अभी आपके जेरे गौर है और उसके ऊपर भी अब ऐसा जो है माहौल देखने को मिलेगा? जी ये शाही गुजरगाह पे हमने 57 स्ट्रीट्स जो है वो रिस्टोर की हैं, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट गली है जिसको हम करने जा रहे हैं वो सबील वाली गली है, जो बिल्कुल जब आप दिल्ली गेट से एंटर होते हैं राइट साइड पे जो है वहाँ पे काफी बड़ा सारा कोर्ट यार्ड भी है लोगों के बैठने के लिए, लेकिन हम लोगों ने इंशाल्लाह ये काम बाकी तमाम जितनी यहाँ से गलियां हमने रिस्टोर की हैं डेकोरेशन सब में ही कर रहे हैं।
जी नाजरीन हज़रात, ये थी सूरजन सिंह गली की सैर, और आपको मैंने बताया है कि इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या थी, और कैसे इस गली को दूसरी गलियों के ऊपर फोकियत हासिल हुई। और अभी भी जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं यहाँ काम कर रहे हैं और इस गली की मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसे और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। और साथ साथ लाहौरियों के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ आपको तमाम ट्रेडिशनल खाने जो है वो भी मिलेंगे, और इसके अलावा ये गली जो है ये काफ़ी तफरीही आपको माहौल प्रोवाइड करेगी। और साथ ही ये गली जो है ये आपको सैर के लिए एक बेहतरीन जगह बन गई हुई है। और इसी तरह जो है ये सकाफती हमारे कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जो है वो तमाम दुनिया में फैलता जाए, यही हमारी दुआ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नए मकाम पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।